लो भाई सही में गाय चली गई। अभी यहाँ पे मुझे रोटी रखनी पड़ेगी, देखो बाउल वगैरह पड़ा है ना यहाँ पे, कुत्ते और गाय को मतलब रोटी वगैरह डालते हैं, इसीलिए नेट थोड़ा सा खुला रह जाता है ना तो कुत्ता अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे किसी के जीन्स उठा के लेके आया और यहाँ पे चप्पल, ऐसे मुझे हटाना पड़ेगा। अच्छा दिख रहा है क्या बात, मेरे से अच्छे तेरे सही कोई है। कोई पूछने की बात है। अरे कुत्ते की तारीफ क्या करो, हमें उड़ने लगते। जय सियालिया, टाइम हो रहा है सुबह के 6:15। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो हाँ, आज हम एकेडमी जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। बट हाँ, यहाँ पे अभी थोड़ा सा हाथों पे थोड़ा सा वो करना है ट्रीटमेंट। बट हाँ, जो हमने हाथ दिखाया था वो हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। मतलब सूजन भी थी वो थोड़ी सी कम हो चुकी है और थोड़ा सा दर्द भी कम हो रहा है। मतलब ये वाली उंगली जो मेरी फोल्ड नहीं हो रही थी यहाँ से, वो होने भी लगी है धीरे धीरे। तो हाँ, अभी रेडी हो चुका है एकदम ऑल गुड। तो आज हम जाने वाले, कल रात को तो सर भाई का कॉल आया था, बोले थे कैसा भी कर ले बट तुझे आना है मेरे साथ, ठीक है। तू बैटिंग नहीं करेगा, कीपिंग नहीं करेगा, वहाँ पे आके बैठेगा तो भी चलेगा, बस तुझे एकेडमी आना है, सिर्फ रनिंग करने के लिए भी आना है मतलब, ठीक है। तो मैं लेके जाऊँगा तुझे, तो मतलब आप मुझे आज वो मुझे लेने आएंगे क्योंकि मेरे हाथ में तो रहेगा, तो मैं समझ रहे हो सब कुछ। तो वो मुझे लेते जाएंगे यहाँ से। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह कर लेते हैं, सब कुछ लगा के, पट्टी वगैरह लगा के, और मिलते हैं आपको निकलते टाइम। हाँ, ये पट्टी वगैरह लगा दिया हमने और निकल भी चुके हैं, गेट तक चलते हैं, लिफ्ट भी ऊपर ले। गुड मॉर्निंग तुषार भाई, चलो चलो। तो गाइस, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30। मैं घर पर तो आ चुका था, वैसे हमारी ट्रेनिंग सेशन पे गए थे, हमने ड्रिल वगैरह ही किया था क्योंकि हाथ में वो पट्टी लगाई थी। वैसे अभी अच्छा है थोड़ा बहुत, मतलब कल से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, हमारा अभी घर पे आ गए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी है, नहाने भी जाना है। और हमने आज टॉप एंड से ड्रिल की थी, मतलब वो हीटिंग होता है ना एक हाथ से, वैसे ट्राई किया था हमने। बट हाँ, कल से नॉर्मल बैटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी हमारी, पर देखते हैं अभी क्या होता है। मतलब एक दो दिन में ठीक हो जाए तो अच्छा है, जल्दी ऐसा तो मैच खेलने मिल जाएगी। हमारा ब्रेकफास्ट अभी रेडी है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1 बज चुके, मैं सो गया था। बट थोड़ी देर पहले उठा और रोटी वगैरह जो गाय को खिलाने के लिए जाना था, तो गाय थी नहीं सुबह। तो अभी ऐसा मम्मी नीचे से आ रहे हैं तो बोले कि गाय है, सो हम रोटी खिला के आ जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, बट गाय ना चली जाए तो अच्छी है, वरना हम गए गाय चली गई तो रोटी वहाँ पे रख के आनी पड़ेगी पेट पे, क्योंकि वहाँ पे गाय खा लेती है, वहाँ पे रखते हैं ना इसीलिए। लो भाई सही में गाय चली गई। अभी यहाँ पे मुझे रोटी रखनी पड़ेगी, देखो बाउल वगैरह पड़ा है ना यहाँ पे, कुत्ते और गाय को मतलब रोटी वगैरह डालते हैं, इसीलिए दूध वगैरह भी है। देखो एक पपी तो अंदर घूम रहा है बाहर से। तो अभी अपना लंच रेडी है, वैसे तो गाय माता को रोटी खिला के आ गए हम, मतलब वहाँ पे रख के आ गए क्योंकि वो थे नहीं, वरना तो सुबह ही खिला देते। जैसे ही गाय आई, मैं नीचे गया तो वो चले गए थे, मतलब दो चार गाय जो आती है वो, तो वहाँ पे मतलब जो पपीज वगैरह थे उनके पास में वहाँ पे रोटी और दूध था, वहाँ पे रख के आ गया। तो मतलब आएंगे तो खा लेंगे, उनको खिला दिया, अभी हम भी खा लेते हैं। और सोना तो है नहीं, मुझे एडिटिंग भी आज नहीं करनी है, तो कुछ नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे दोपहर को। और आज हेयर कट करवाने भी जाना है, तो शाम के टाइम पे देखते हेयर कट करवाता हूँ। तो मैं भाई घर पे पूरा दिन सोता ही रहने वाला हूँ, बट अभी अपना टाइम हो चुका है तो चलते हैं। और देखो मुंह पे प्रिंट छप गई, जो सोफे पे ऐसे ही सो गया था ना, तो बट रेडी हो चुके हैं तो चलते हैं। धूप है आज, तो आज धूप लगने वाली है, कल भी थी धूप आज भी थी, इसलिए कैप साथ में रखता हूँ। तो गाइस पहुंच गए यहाँ पे, पीछे कुछ कथा वगैरह चल रहा है तो मस्त साउंड भी आ रहा है। सत्संग सुनते सुनते आज प्रैक्टिस करेंगे। अरे पहले ही आ गया था, इसने राउंड भी लगा लिया, एक्सरसाइज कर रहा है। बट हाँ, धूप भी अच्छी खासी है भाई, क्या धूप लग रही है अभी तो, एक नंबर चटके पड़ रहे हैं शरीर पे। मुझे स्लीव्स पहन के आना चाहिए था, मैं नहीं पहना हूँ, बट कोई बात नहीं भाई। कुत्ते यहाँ पे क्या जीन्स लेके आ जाते हैं किसी का उठा के, वहाँ पे किसी के चप्पल उठा के लाए हैं, आज लकड़ी भी लेके आए भाई। ये सब क्या ले जाके आते हैं कुत्ते यहाँ पे। नेट थोड़ा सा खुला रह जाता है ना तो कुत्ता अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे किसी के जीन्स उठा के लेके आया और यहाँ पे चप्पल, ऐसे मुझे हटाना पड़ेगा।
चप्पल किसकी है? वो भी तोड़ दिए काट काट के। कैसे उठा के जा रहा हूँ पैंट को मैं लकड़ी से। ये चप्पल किसके है? तेरी है? शूज तो ये नए वाले शूज किसके? वो खेल रहे थे हम लोग में से किसी को होगा। वो खेल रहा था उनके? मैं नहीं खेल रहा था, मैं दौड़ से आया था जब देखा था। कोई बात नहीं, ले ले बैग में रख दे, काम आएंगे। तेरी साइज के है? कितने नंबर है? छोटा है। देख तो ले पहन के, देख तो कितने साइज के है। बेचारे का वो लेने आएंगे तो उसका है। तो क्यों रख के गया फिर यहाँ पे? क्यों आया था खेलने? किसने बोला था? उसकी सजा है, उसके जूते नहीं मिलेंगे अभी। नहीं नहीं हम लोग के लिए, गरीब के लिए छोड़ दी। कोई बात नहीं, रख दे उसको साइड में, लेते जाएंगे आते वक्त। ये पैंट कौन? कुत्ता पर पैंट किसी की उठा ले आया है? ये तो ले जाएगा वो, कोई आएगा तो अभी। अच्छे अभी बड़े कर, बड़े करो भाई, बड़े नहीं करने, मैं छोटे कर दूंगा कटवा के। बता कैसे कटवाओ? वन साइड कटवाओ, टू साइड, पूरे जीरो करवा दो साइड में से? कैसे कटवाओ? जीरो मत करो। उस टाइम करवाया था वैसा करवाओ कि नहीं? नहीं नहीं, वो भी नहीं। वन साइड को डाले अच्छे से। वन साइड, मैं भी वन साइड ही कटवाता था पहले से। देखते हैं इस बार कौन सा कट करवाते हैं। वन साइड में क्या होता है, इस तरफ से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कट हो जाता है। नहीं नहीं, एक ही तरफ से कट करते हैं। नहीं, इस तरफ से भी करते हैं। मैं करवाता हूँ, ऊपर के सेट भी करवाता हूँ मैं, ऐसे ही नहीं रखता हूँ। बाद में 10-12 दिन हो गए ना, उसके बाद एकदम रेडी हो जाएंगे बाल। तो मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे तो मतलब तब तक ठीक हो जाएंगे। डायरेक्ट कटवाऊंगा तो मतलब समझ रहा है, आड़े टेढ़े कट जाएंगे। मतलब नहीं कटते, मैं एक ही जगह पे कटवाता हूँ बाल, बट फिर भी वो मतलब एकदम फ्रेश कट से ज़्यादा अच्छे 10-12 दिन के बाद वाला लुक अच्छा आता है, अच्छा दिखता है। क्या बात, मेरे से अच्छे तेरे? सही है, पूछने की बात है। अरे खुद की तारीफ क्या करो, हमें उड़ने लगते। तो गाइस अभी अपना डिनर रेडी है। डिनर में आज है मतलब प्रसाद वगैरह, क्योंकि नवरात्रि वगैरह चल रहे थे, ऊपर से आज आठम है, तो मस्त लापसी वगैरह है, दाल चावल है, खिचड़ी टाइप वो वाली भी है, तो नॉर्मल इस तरीके का थाल की थाली है वाली पूरी। तो मतलब हाँ ये सब है खाने में आज, प्रसाद भी है 1-2-3। तो हाँ गाइज, अभी अपना एडिटिंग का काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा थोड़ा सा, और कल मतलब सुबह बैटिंग भी करने को मिलेगी, तो अच्छी बात है। हाथ अभी ठीक है ऑलमोस्ट, मतलब फोल्ड हो रहा है ऐसे नॉर्मल, मेरी उंगली जो नहीं मुड़ रही थी वो भी ठीक हो गई है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत दर्द है इसलिए मैं अभी ये लगा के रख रहा हूँ ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। बट इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।